नमस्कार दोस्तों, आपका वेद क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, मैथ के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यह दिया हुआ है दोस्तों, दिए गए चित्र में एक्स का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों एक सरल रेखा है और उस सरल रेखा पे ये तीन एंगल बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तीन एंगल बने हुए हैं। यहाँ पर दिया हुआ है एक्स, यहाँ पर दिया हुआ है 3x और यहाँ पर दिया हुआ 5x। ठीक है, तो एक सरल रेखा पर है तो ये पूरा कोण 180 अंश का बनता है। ठीक है दोस्तों, तो रेखीय कोण के नियम से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम रेखीय युग्म लगा रहे होंगे। ठीक है, तो क्या होता है, इन तीनों का सम किसके बराबर होता है, 180 के अंश के बराबर होता। तो लिखते 5x प्लस 3x प्लस एक्स बराबर प्लस एक्स बराबर 180 अंश। किस नियम से, रेखीय युग्म के नियम से। ठीक है दोस्तों, तो 5 3 8 8 1 9, तो 9x बराबर 180, तो x बराबर आता है 9 2 18 0। ठीक है दोस्तों, तो कितना आता है 20, x की वैल्यू कितनी आ रही थी 20, तो 20 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न यह है दोस्तों कि दिया है किसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है दोस्तों, ये दिया है इसका वर्गमूल निकालना है, तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है इसको लिखते हैं, क्या लिखा हुआ, √3 + √2 अपॉन √3 - √2। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले वर्गमूल ना निकाल के पहले इसका क्या करते हैं, संयुग्मि से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो √3 + √2 अपॉन √3 + √2, हर के संयुग्मि से ऊपर नीचे हमने गुणा किया है। ठीक है दोस्तों, तो होगा क्या, तो ये हो जाएगा ये a + b, तो हो जाएगा दोस्तों a + b का होल स्क्वायर, √3 + √2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यहाँ पे नीचे बना a - b, a + b, तो क्या होगा, a² - b² √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आ रहा होगा √3 + √2 का होल स्क्वायर, और नीचे अपॉन का 1 आ रहा है, तो 1 लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, हटा देते हैं। अब कहा गया है यहाँ पे स्क्वायर लगेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो उसके बाद क्या कहा गया कि इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो अंडर रूट लगा लेते हैं। ठीक है, √3 + √2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, अंडर रूट का मतलब होता है दोस्तों पावर हाफ। ठीक है, तो लिखा जाएगा √3 + √2 का स्क्वायर तो था ही, और क्या आएगा 1/2, तो 1/2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा √3 + 2, तो इस संख्या का वर्गमूल कितना है, √3 + 1 2। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा √3 + √2, राइट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल दे दी है। ठीक है दोस्तों, पूछा है और कहा है कि 4/5 किलोमीटर की दूरी वह कितने सेकंड में तय करेगी, तो यहाँ सेकंड में आंसर पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको चाल दिया है, ठीक है, और क्या दिया है, दूरी दी है, और समय बराबर होता है दोस्तों, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, दूरी आपकी कितनी दी है, 4/5 किलोमीटर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे दिया 45, चाल दिए 45 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो क्या कर रहे होंगे, क्योंकि समय सेकंड में पूछा है तो हम इसको सेकंड में बदल लेते, तो क्या लिखेंगे, देखिए किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, ये आवर आपका ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे 1 लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे 4/5 तो लिखा ही है, बटे का 45 लिखा है। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा है, प्रति, ठीक है, घंटा, घंटे को हम सेकंड में बना लेते हैं, घंटे में कितने 3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। ठीक है, बस क्या करेंगे, ऊपर भेज देंगे, 3600 ऊपर चला जाएगा, तो क्या आएगा, 3600 × 4/s भी जाएगा ऊपर, 5 × 45, इसी को सॉल्व करते हैं तो कर रहे होंगे, देखिए कट जाएगा दोस्तों, 9 से कट जाएगा, 9 × 5 = 45। ठीक है, 9 × 4 = 36, 400। ठीक है, फिर उसके बाद काट रहे होंगे, 5 से काटेंगे, 5 × 8 = 40, 0। ठीक है, इसको काट रहे होंगे तो 16 आएगा, 16
और 16 चौके 64, ठीक है दोस्तों, 64 सेकंड आएगा, क्या आएगा 64 सेकंड, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है 64 सेकंड। ठीक दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये कहा जा रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने 30% मत लेकर 16,000 वोटों से हार गया, तो कुल मतों की संख्या बतानी है। तो मान लेते हैं दोस्तों कुल मतों की संख्या 100% थी, ठीक है, उसमें क्या है कि जो लूज़र यानी लूज़र मतलब हारने वाला, लूज़र ने 30% वोट पाया और विनर ने कितना पाया, 70% वोट पाया होगा, ठीक है, और कितने वोटों से हार गया, 16,000 वोटों से हार गया, तो इनका डिफरेंस कितना होगा दोस्तों, तो इनका अंतर होगा 40%। 40% का अंतर किसका बता रहा है, हार जीत फेल पास क्या बताता है दोस्तों, अंतर को बताता है। तो यहाँ पे 16,000, ठीक है, 16,000 वोटों से जीत हार गया, तो 1-0 से 1-0 कटा, कितना हारा होगा, 16 एकम 16 और 16 चौक 4 चौक 16, ठीक है 400 वोट, और कितना 100% वोट था, कुल वोटों की संख्या पूछा गया तो 100 से गुणा कर देंगे, तो 100% = 1% ये था, 100% = कितना आ जाएगा 40,000 वोट, ठीक है दोस्तों, तो 40,000 वोट कुल थे, ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों ए और अगला प्रश्न यह है दोस्तों कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 3:2 है, और 6 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 4:3 हो जाता है, तो ए की वर्तमान आयु बताना है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, इनकी प्रेजेंट टाइम का जो रेशियो दिया हुआ है ए और बी का कितना दिया हुआ है, 3:2, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू बनाने के लिए एक्स जोड़ देते इसमें, ठीक है। अब पूछा गया 6 वर्षों बाद, ठीक है 6 वर्षों बाद, तो 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो 3x+6 बाद कहेगा तो जोड़ेंगे, ठीक है, फिर कितना हो जा रहा है, फिर 2x+6 जोड़ दिए, तब इनका रेशियो कितना हो जाता है, 4:3 हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि अब इसके क्या हो जाएगा, 3x+6 = 4x/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है दोस्तों, तो कितना आ रहा होगा, 3×9x+6×18 = 4×8x और 6×24, ठीक है, तो कितना आ रहा होगा, इधर लाएंगे 8 को इधर लाएंगे तो 9x-8x और ये आएगा 24-18, तो कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है, और कितना आएगा x = 6, तो x = 6 आ रहा है। पूछा किसकी उम्र गई है, पूछा है कि ए की वर्तमान उम्र बताना है, तो ए की वर्तमान उम्र कितनी है, 3x, तो 3×6 कितना हो जाएगा, 18 साल, ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।